वेलकम व्यूअर्स, मैं अनीस फारूकी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम टेक टीवी से। और इस वक्त दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक कोरोना को लेकर एक सिचुएशन डेवलप हो रही है, तेज़ी से लम्हा बलम्हा रोज़ बरोज़ बदलती जा रही है और उसमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है। प्रिकॉशनरी प्रोएक्टिव मेजर्स भी ली जा रही हैं और साथ साथ हिफाजती इकदाम दुनिया भर के लोग ले रहे हैं। पब्लिक इवेंट्स गैदरिंग, मास गैदरिंग्स पर पाबंदी लगा दी गई है। देखना यह कि इसको मुख्तलिफ ममालिक किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा क्या कह रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूरोप और पाकिस्तान, हिंदुस्तान में इसको कैसे लिया जा रहा है। ताहिर असलम गोरज़, आपको वेलकम करते हैं सर। कोरोना पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर गया, पेंडेमिक बहुत कम तारीख में हुआ है, आपके इल्म में भी होगा, तो इसमें जो हमने देखा कि कोई भी महफूज नहीं है। ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई एलीट क्लास या कोई आम तबका, मजदूर तबका, ये कोई भी किसी को भी लग सकता है। ये कनाडा के वज़ीर आज़म की बीवी को भी लग सकता है और किसी आम इंसान को भी लग सकता है जो प्लेन में सफ़र कर रहा हो, लोगों की गैदरिंग कर रहा हो। ग्रोइंग डे बाई डे सिचुएशन चेंज हो रही है, आप इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, जैसा आपने कनाडा की प्राइम मिनिस्टर की बीवी की बात की, वो बेचारी इंग्लैंड में थी और वहाँ से वो पॉजिटिव हुआ उनका COVID-19, उसके बाद वापस आई हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को भी आइसोलेशन में जाना पड़ा है। तो सिचुएशन तो ये है, इंग्लैंड की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका पॉजिटिव हुआ हुआ है जी। अमेरिका में कुछ की लोग हैं, की पोजीशन पर बैठे हुए हैं, उनका पॉजिटिव हुआ हुआ जी। ब्राज़ील में चीफ को और इनको जी, ब्राज़ील में, इटली में और चाइना से ये वबा चली, तो वाकई बड़ी सीरियस सूरत हाल है। और ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि दुनिया में अब कोई भी खत्ता महफूज इससे है। हमने हिस्ट्री में बहुत खौफनाक पेंडेमिक देखे हैं, स्पेनिश फ्लू उसकी एक बाज़गश्त अगर हम देखें तो मिलियंस लोग उसमें मारे गए। अब मास कम्युनिकेशन के ज़माने में आप 10 से 15 घंटे में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं, फ्लाइट्स इतनी अवेलेबल हैं, और इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो मुश्किल भी बहुत हो गया है रोकना, दूसरी तरफ अवेयरनेस इतनी हो गई है जो अच्छी बात है। बिल्कुल, चीखो पुकार इतना है, उस चीखो पुकार में अवेयरनेस में एक अगरचे पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हुई हुई है। आप यूरोप की जो सुपरमार्केट्स की तस्वीरें आ रही थी, तो अब कनाडा में ये हाल हो गया है जी। कि कल मैं वॉलमार्ट गया तो लंबी लाइन लगी हुई थी, जैसे पता नहीं कोई खाना नहीं मिलना, बिल्कुल दो रोज़ बाद क्या हो जाना है। तो एक वो भी एक ये हम देख रहे हैं, तमाम पैरानोया, फियर, पैनिक भी है। प्रिकॉशन करना, उसको कॉशनरी मेजर्स लेना, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर इस हद तक पैनिक में जाना वो भी ख़तरनाक है अपनी सेहत पे लोगों का। और ये कोई पैनिक में कोई इंडिविजुअल या ख़ास लोग नहीं है, ये एक मैस पैनिक है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसमें कि जब हम देखते हैं कि ये लोग ख़रीद रहे हैं तो मैं भी ख़रीद लूँ, मैं भी जमा कर लूँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि पैनिक की इस वक्त कहीं ज़रूरत है। कनाडा में अभी कल से जो मामला हम भी देख रहे हैं, तमाम ग्रोसरी स्टोर चेन्स पे लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बिल्कुल डूम्स डे आ रहा है और उसके बाद कुछ नहीं होना, हालांकि ना खाने की यहाँ पे कमी है किसी भी मुल्क में नहीं है, बिल्कुल ना टॉयलेट पेपर्स की कमी है, ना हाइजीन के दीगर चीज़ों की या जो सैनिटाइज़र्स हैं, लेकिन लोग एक फोबिया में आ जाते हैं, एक साइकोलॉजिकल उसमें आ जाते हैं जो कि नहीं आना चाहिए। राइट, लेकिन उसमें एक और फैक्टर भी शायद है, मैं उसको भी नेचुरल समझता हूँ। लोगों ने यूरोप में जैसे ख़ास तौर पर्टिकुलरली इटली में देखा कि अब वो सप्लाई फूड करने वाले ट्रक लोग नहीं हैं, जब इतना ज़्यादा लॉकडाउन हो जाए जी, तो फूड तो मौजूद है वेयर हाउसेज में, हर जगह सप्लाई नहीं हो रहा। अब फिर आपको परमिशन नहीं मिल रही बाहर जाने की, वो एक्सट्रीम केसेस हैं जहाँ इटली जैसी जगह है जी, जिन्होंने उसको जोन्स में बांट के लॉकडाउन कर दिया। राइट, ऐसा शायद नज़र नहीं आ रहा कि इटली के अलावा कहीं और, ये चाइना में तो वुहान सूबा ही पूरा लॉकडाउन है। राइट राइट, दुनिया के और किसी मुल्क में, अमेरिका, कनाडा, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन यू नेवर नो किस जगह पे, किस शहर में, किस प्रोविंस में, किस मुल्क में ये सूरत हाल हो जाए। दो हैशटैग चले थे तो भाई, एक तो था कि पैनिक के हवाले से जी, एक था कैंसिल एवरीथिंग,
अच्छा, ये कैंसिल एवरीथिंग वाला बड़ा अच्छा, इसको मैं मेजर समझता हूँ, एक प्रो एक्टिव है। और आज अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कनाडा ओंटारियो में इन्होंने 250 लोगों की गैदरिंग पर पाबंदी लगा दी है। राइट, उस पर टोटल, अब चाहे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो, चाहे वो रिक्रिएशन हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे कोई भी हो, तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है जिससे कि इसको रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा जो बड़ा अच्छा कदम किया कि स्कूलों की छुट्टियाँ, जो मार्च ब्रेक चल रहा है, उसको आगे 2 हफ्ते और बढ़ा दिए। उससे क्या होगा कि अगर इस दौरान में आपने कहीं ट्रैवल किया और आप में वो सिम्टम्स आते हैं, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो आप घर में ही रह के गुजारेंगे, बजाय कि आप स्कूलों में जाके उसको स्प्रेड करें। राइट, तो इस तरह की मेजर्स को अगर हम समझते हैं कि देर की पाकिस्तान में मैंने देखा कि PSL के मैचेज़ हो रहे हैं, स्टेडियम भरे हुए वो लोग, लेकिन फिर अब सिंध में मुराद अली शाह ने पाबंदी लगा दी। राइट, अब विदाउट क्राउड गेम होंगे। यस, इंडिया पाकिस्तान में एक थोड़ा सा उनके लिए जो फैक्टर नज़र आ रहा है, जो उनके हक में जा रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है जी। कहा जा रहा है कि ये जो वार्मर टेम्परेचर के साथ ये वायरस है, ये 26+, 27+ में ये हार्मफुल नहीं, हार्मफुल अच्छा नहीं है, ये एक फैक्टर है। मगर जो बाहर से लोग आ रहे हैं जी, जो ऑलरेडी कैरियर हैं इस वायरस के, बिल्कुल, वो तो डेंजर है। हाँ। और फिर टेम्परेचर, अभी वो दिन नहीं है कि ये स्टेडी तौर पर ऐसे ही टेम्परेचर है, ऐसा रहे, चूंकि इवन इन इंडिया पाकिस्तान भी फ्लक्चुएशन हो रही है। लेकिन थोड़ी सी वजाहत ये जरूरी है कि ये वायरस एयरबॉर्न नहीं है। राइट, दिस इज नॉट एन एयरबॉर्न के आप ये हवा में घूम रहा है, अनलेस यू आर इन ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ दैट पर्सन और वो खांस रहा है तो उसमें तो इनहेल कर सकते हैं आप, या आपने किसी चीज़ को टच किया। राइट, और फिर वो उसके जरिए आपने आँख या मुंह के जरिए उसको स्वॉलो किया तो वो आपको ट्रांसफ़र होता है। ये तो ये दो चीज़ें, अब ये है कि कहाँ कहाँ आप सफाई करेंगे। राइट, जब आप एस्केलेटर पे चल रहे हैं, आपका हाथ यूँ रखा हुआ है और आप वो उसमें 10,000 लोग उससे गुजर रहे हैं, उसको कितना साफ कर लेंगे। शॉपिंग कार्ट आप ग्रोसरी स्टोर में लेके जा रहे हैं, कितना उसको कंट्रोल कर लेंगे। डोर नॉब्स हैं, मतलब आप सोचिए कि हैंडल्स हैं, कहाँ कहाँ आप कंट्रोल करेंगे। तो उसका जो एक वन ऑफ द बेस्ट मेजर है कि वॉश योर हैंड्स एज मच एज पॉसिबल। राइट, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट तक आप उसको अच्छी तरह से धोएं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, आँखों और अपने जो मुंह के पास उसको ना लेके जाएं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको अगर हम खुद समझ लेंगे तो हो जाएगा। इसमें पैनिक की जरूरत नहीं है कि ये एयरबॉर्न है, लोगों को लग जाएगा, ये कोई अछूत है। और दूसरा जो एक अहम इसमें फैक्टर है जो लोगों को बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये कंटेजस तो है, छूत की बीमारी नहीं है, लेकिन साथ साथ इसमें जो क्योर है इसको आप कर सकते हैं। राइट, ये राइट, कोई वो मोजी या जिसे कहना चाहिए कि फेटल नहीं है कि जैसे वो हो गया तो बस वो बंदा गया जी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनकी एज ज़्यादा है, जिनके हेल्थ इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर्टिकुलरली डायबिटीज, हार्ट के, ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और इस वक्त जो सूरत हाल है, एक और मुझे, मैं अब खबरें को देखता हूँ, दुनिया तो वही की वही है, लोग वही के वही हैं, मसाइल भी वही के वही हैं, मगर वो लगता है जैसे सारे मसाइल एकदम से गायब हो गए हैं, बाकी मसाइल जी जी ठीक है जी। तो इंसान तो हम सब हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो तो खैर वहाँ पर चलती रहती है, लेकिन उसके बाद जब ये इस तरह की सूरत हाल आती है तो मुझे वो एक नावल याद आने लगा, गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ का, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, कि वो जब कॉलरा फैला था जी, तो उस ज़माने में क्या सूरत हाल, इंसानियत कैसे उजागर हुई। ठीक है, एक और नावल इसी स्टाइल में लिखा हुआ, काफ्का का पहले था प्लेग, और फिर ये रीसेंट ईयर्स में होजे सारामागो का, जिनको पुर्तगीज़ राइटर है, नोबल प्राइज़ मिला, ब्लाइंडनेस। तो ये मुझे 3 नावल याद आए कि भाई ये वाकई लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भूल जाते हैं, ये तो अच्छी बात है। हाँ। ये तो खुशहाली बात, इंसानियत जागती है, इंसानियत जागती है, सबको पता चलता है कि ये दुनिया अब फानी दुनिया है। एग्जैक्टली, ठीक है, ये अगर इतना ना दिखाई देने वाला नन्ना सा वायरस तबाह कर सकता है तो एटम बम शम जो तो फिर कुछ भी नहीं रहे। हाँ, और फिर वो ये वायरस ना गोरे को काले पे फौकियत है, ना मुस्लिम को हिंदू पे, ना काफिर पे, ना कोई कुछ लगेगा। हाँ, वो लफ्ज काफिर तो खैर खुद ही बहुत घटिया लफ्ज है, ये तो खुद एक वायरस लफ्ज है, एक वायरस फैलाया गया। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ इसको तो गायब हो जाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी, जब हम बात करते हैं इस वायरस की,
इसको हर कंट्री अपने हिसाब से डील कर रही है. यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी ताकतवर हुकूमत के डोनाल्ड ट्रंप ने आज इस वक्त इमरजेंसी नाफिज की है और एक $50 बिलियन का बजट को रकम को उन्होंने फ्रीज कर दिया है. राइट, ओनली टू हैंडल दिस पैंडेमिक. राइट. कैनेडा ने क्या किया? कैनेडा भी कर रहा है, इतनी बड़ी इकॉनमी तो नहीं है. कैनेडा की जो प्रिकॉशनरी तौर पे क्या किया उन्होंने? कोई फ्लाइट्स रोकी, कोई पाबंदियां लगाई, कुछ नहीं किया अभी तक? अभी तक नहीं किया. ये एक चैलेंज है. मैं कल इत्तेफाक से डरते डरते एयरपोर्ट गया, किसी को रिसीव करना था, ऐसे ही अब फियर तो है ना. बिल्कुल. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप जिस फ्लाइट से आए हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट थी, यूरोप से आ रही थी, तो मैंने कहा, कहने लगा पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चढ़े हुए थे उस फ्लाइट पे. ठीक है. तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ? तो अब उनका कहना है, मुझे नहीं पता कि क्या उनका ये कहना है कि वो लोग वो जो हमारी इमिग्रेशन का वो सिर्फ पूछ रहे थे. अच्छा. कि भाई आप कहाँ से आए हैं और आपको कोई क्या कोई सिम्टम तो नहीं है? तो वो कह रहा है कि आई डाउट कि उस फ्लाइट में बहुत सारे लोग ईरान के और बहुत सारे लोग दूसरी मिडल ईस्ट से भी आ रहे थे, क्योंकि वो जो हमारे दोस्त थे वो इंडिया से आ रहे थे, मगर उन्होंने फ्लाइट चेंज की थी दुबई से. अच्छा. दुबई से होती यूरोप में कहीं स्टॉप ओवर था. बिल्कुल. तो काफ़ी लोग वो तो कनेक्शन बनते चले, कोई कनेक्शन. तो वो कह रहे हैं कि अब जो बहुत सारे लोग हैं वो मुझे यूं शक पड़ रहा था कि मुझे सच ही नहीं बता रहे. तो मैंने कहा वो जो स्क्रीनिंग विनिंग कुछ हुई टेस्टिंग हो रही, टेस्टिंग हो रही है. कहने लगा नहीं, कम से कम उसने यही मुझे बताया कि बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग किसी ऐसे अमल से नहीं गुजरा. नहीं नहीं, वैसे वैसे भी बड़ा चैलेंजिंग है. इतनी फ्लाइट्स एक वक्त में 24 घंटे आ रही हैं, उसको हैंडल करना. लेकिन उसका एक ही हल है कि आप उन फ्लाइट्स को रोकें, पाबंदी लगाएं, जैसे इंडिया ने भी रोका. राइट. आपने देखा कि इंडिया अब सारे वीज़े कैंसिल किए उन्होंने शायद. यस यस. और वो जो ममालिक जहाँ से ज़्यादा इटली वगैरह है उनकी फ़्लाइटों को रोका गया. यस, यस. पाकिस्तान भी कर रहा है इसको, रोक रहा है. और दीगर सऊदी अरब ने तो हद ही कर दी, मतलब उन्हें तो तवाफ ही रोक दिया. हाँ, नहीं नहीं, ठीक किया वो. देखिए ये बहुत ज़रूरी था इसलिए कि इतनी बड़ी मास गैदरिंग में, और वो भी क्लोज होते हैं. क्लोज वो एकदम. नहीं, बहुत ठीक किया सऊदी अरेबिया ने, और ऐसा करना चाहिए था. ईरान में ये इशू हुआ. देखिए जो अभी तक के जो टॉप सफरर कंट्री जो अब तक की डेवलपमेंट हुई है सूरत हाल की, चाइना ऑफ कोर्स, साउथ कोरिया, ईरान, इटली, यूरोप में इटली और यूरोप. बड़ी अजीब बात है कि इटली क्यों उसका निशाना बन गया, ये समझ में नहीं आता. मेरा ख्याल है जो जो खबरें भी आई और जो कॉमन सेंस भी बताती है कि इटालियन विजिटर्स थे कुछ चीन में. ओके. वो जब आए हैं तो वो फिर नई शायद स्क्रीनिंग हुई, नई आइसोलेशन हुई, नहीं था इतना ज़्यादा. अब वो उस वक्त इसका ख्याल नहीं किया गया और खौफनाक हद तक बड़ी तेजी से फैला हुआ. बड़ा तेजी से, मतलब ये यूरोपीय ममालिक नॉर्मली छोटे छोटे मुल्क हैं. हाँ, बहुत क्लोज होते हैं और छोटी सड़कें हैं, छोटी जगह हैं, छोटी रेस्टोरेंट. तो अगर अगर एक दफा अनकंट्रोल चीज शुरू हो जाए तो देन इट गोज लाइक क्रेजी. अच्छा, इसकी जो सोर्स बताई जा रही है कि अभी कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि ये बैट्स जो होती हैं चमगादड़े जी, ये उससे फैली है. एक मैं आपको बताऊंगा और व्यूअर्स को भी बताऊंगा, एक मूवी है कंटेजियन. अभी आई थी कुछ 2005 या 2004 में आई थी कंटेजियन. आप उस मूवी को देखें और आज COVID-19 को देखें, आपको लगेगा कि आज का दौर क्या उस वक्त बताई गई है. और उसमें ये भी बताया गया कि चमगादड़ से वो ट्रांसफ़र हुआ पिग्स में. पिग्स जो है वो एक शेफ़ उसको काटता है, उस शेफ़ को लगा, उस शेफ़ से वो फैलना शुरू हुई. और ये जो अभी रिसर्च आई है उसमें उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि 99% चांस ये है कि ये चमगादड़ के से ट्रांसफ़र हुई है. कैसे हुई है ये तो एक बहुत लंबी कहानी है. तो ये वी डोंट नो कि क्या चीज़ कब कहाँ से पैदा हो जाए. Absolutely. तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत, क्योंकि आपको ये मीट प्रोडक्ट जो हैं इससे भी बहुत ज़्यादा कई और तरह के वायरस भी हुए. लेकिन हम अब किसी को नहीं कह सकते कि आप ये खाएं और ये ना खाएं. हाँ, नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये इससे पहले भी ये हुआ था. यस. सार्स के हवाले से भी ये रिपोर्ट्स थी और आज भी ये रिपोर्ट्स हैं. तो हेल्दी हाइजेनिक खाना, तो मैं तो कहता हूँ इस मामले में तो हिंदुस्तान के लोग अच्छे हैं, वो शाकाहारी होते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और सेहतमंद. नहीं, हिंदुस्तान में अब बहुत मीट खाया जाता है. मीट खाया जा रहा है बहुत. आप अभी होकर आए तो आपने. हाँ, नहीं नहीं नहीं, मतलब हिंदुस्तान में बहुत मीट खाया जाता है. देखिए मैंने भी, सच्ची बात यह है कि सारी ज़िंदगी मीट खाया, सिर्फ बीफ नहीं खाया, इसलिए कि मुझे कभी पसंद ही नहीं आया वो फ्रैंकली.
और लेकिन ये जो है फिश, चिकन और गोट ये खाया, और वाकई अब चूँकि मैं भी सेहत के उस हिस्से में हूँ, 57-58 में हूँ, और ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, हार्ट का भी इशू तो है, और केयरफुल हो जाते हैं। और के अब ज़रा कम कुछ किया हुआ है मीट, और अब मैं अगर देखूं तो मैं ज़्यादा वेजिटेबल खा रहा हूँ, मीट अभी भी कुछ ना कुछ जैसे पोर्शन खा रहा हूं। होते हैं ना वो फिर भी थोड़ा कुछ ना कुछ पोर्शन चलता है मीट का, लेकिन अब पहले से माजी से बहुत काम कर दिया है। मेरा ख्याल है अक्ल अब आई है, ये अक्ल बहुत पहले आनी चाहिए थी। लेकिन आपने भारत की बात की, वेजिटेरियन सोसाइटी का एक इमेज है, लेकिन भारत में बेतहाशा मीट खाया जाता है, ऐसी बात नहीं, नहीं खाया जाता होगा, बिल्कुल खाया जाता होगा, लेकिन कम से कम इस तरह से नहीं खाया जाता कि जैसे यहाँ पे हर चीज खाई जाती है। एब्सोल्युटली, खासतौर पे चाइना में तो जो मिले पकड़ के खा लो, तो वो चीजों को हम अगर मतलब अफसोस होता है कि मतलब चाइना चाइनीज लोग बहुत अच्छे हैं, जनरली दुनिया भर में रहते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है, हम उनके रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, और आप देखिए चाइनीज रेस्टोरेंट में ज्यादातर तो वेजिटेबल ही पक रही होती है, वहाँ पे वो होश रबा किस्म का मीट नहीं होता, ये सी फूड होता है, सी फूड होता है और वेजिटेबल्स की डिशेस होती हैं। और चाइनीज जो कल्चर है, जापानीज कल्चर जो है, इवन पूरा एशियन कल्चर जो है वहाँ का, वो बेसिकली तो भारत की वो जो हेरिटेज है बुद्धिज़्म का, और वो सारे का सारा वो है, स्पिरिचुअलिटी बुद्धिज़्म से आई है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो जो कम्युनिज्म का फॉर द पास्ट 70 ईयर्स का चला, उसने बिल्कुल ही चाइना को डिफरेंट कर दिया। तो वरना चाइना का जो ओरिजिनल एक स्पिरिचुअल है वो भारत से डिराइव है, बिल्कुल, तो वो तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन चाइनीज पीपल आर गुड पीपल। ओह यस यस सर, COVID-19 की बात हो रही है तो इसमें जब इस तरह की जब भी कोई पेंडेमिक या एपिडेमोलॉजी की कोई बात होती है तो अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं और लोग खामखा में उस पर जो है मुख्तलिफ वो बातें करते हैं, फिर उसके टोटके भी आ जाते हैं। राइट, तो हमें मैं ये कहता हूँ अपने व्यूअर्स से कि बी अवेयर, बी नॉलेजेबल एंड बी एजुकेटेड, डोंट पे अटेंशन के सोशल मीडिया पे क्या शेयर हो रहा है। राइट राइट, वो फौरन जो है वो बैठ के आयत पढ़ने ना लग जाओ, अपने हाथ धो लो पहले, फिर वो जो है जो भी करना है आगे आप करें। तो ये अफवाहों से भी हमें थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पैनिक की सिचुएशन में ये मजीद पैनिक क्रिएट करती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अफवाहों से तो डेफिनेटली गुरेज करना है और उस पर कान ना धरे जाएं। देखिए अब ये एक मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया पर, और उसमें अपनी अपनी स्पिरिट को हाई रखना है। मैंने अफवाह के लफ्ज इसलिए भी इस्तेमाल किया कि पिछले आज ही कलमे में एक अफवाह मैंने सुनी कि वो पाकिस्तान में कोविड से ज़्यादा लोग मुतासर हैं, गवर्नमेंट बता नहीं रही है, क्योंकि वहाँ PSL के मैचेस हो रहे थे। तो मुझे तो खैर इस पर यकीन नहीं आया, लेकिन अच्छा दूसरी एक और बड़ी अफसोसनाक बात खबर जो भी आई है कि वहाँ की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने जो इसके मास्क होते हैं हज़ारों की तादाद में स्मगल किए, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी करप्शन की हम छोड़ते नहीं हैं। जहां हमें मौका मिलता है, चाहे वो चीनी की ज़खीरा अंदोज़ी हो, आटा हो, चावल हो, सब्ज़ी हो, टमाटर हो या मास्क हो, हमने करप्शन भ्रष्टाचार को कहीं भी छोड़ना नहीं है, उसको जो है ना गरीबों का खून निचोड़ के उसको हमने करना है। ये बहरहाल एक अफसोसनाक फैल है, बहुत अफसोसनाक, इसको हमें एहतियात करनी चाहिए थी। उसके अलावा क्या आप सोचते हैं कि हमें इससे एहतियात करनी चाहिए? देखिए इससे एहतियात, एक तो अपनी स्पिरिट्स को थोड़ा हाई रखें, अपने हाथ बार बार धोएं, सुना विटामिन सी ज़्यादा बेहतर है, विटामिन सी के बारे में यही सुना है कि वो लें, अगर आपके पास ऑरेंजेस और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं उनको अच्छी तरह धो के खाएं, वो भी विटामिन सी का एक सोर्स है, फ्रूट्स जो हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी सेहत का ख्याल करें, इंटरेक्शन अब वाकई पब्लिक प्लेसेस पे रिलेटिवली कम करें, इसमें आपका भी भला है और बाकी पब्लिक का भी भला है, हो सकते हैं आपको दूसरों को ना लगे। हाँ, अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे मौसम बेहतर हो, एक ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे, फार्मासिस्ट लगे हुए हैं बहुत ही प्रीसाइज वैक्सीन और प्रीसाइज मेडिकेशन को बनाने में, एंड ऑफ कोर्स जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं, अभी तक कोई 4,500-5,000 के करीब लोगों की डेथ्स हुई हैं, तो बाकी तो रिकवर हो रिकवर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोई मौत के मुंह को जा रहे हैं, तो ये रियलिटी भी समझनी है हमें। जो पैनिक है हम सब में, हमें भी है, वो एक नेचुरल है, मगर उसके लेवल को ज़रा कंट्रोल करना
बिल्कुल अपनी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर वो कोरोना वायरस ने हिट ना किया तो डिप्रेशन हिट कर लेगा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई जो आपके अंदर की दूसरी डिजीजेज हैं वो आप पर हावी हो जाएंगी, बिल्कुल। तो इसमें भी और सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो पैनिक से जो सिविल अनरेस्ट होता है दुनिया भर में वो अननेसेसरी होता है, अननेसेसरी। आप चाहे वो कनाडा में, अमेरिका में हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कहीं भी हो, वो सिविल अनरेस्ट शुरू हो जाएगा, लूट मार शुरू हो जाती है, वो लॉलेसनेस शुरू हो जाती है, एनार्की की एक कंडीशन बन जाती है, और ये सारी चीज़ें जब बनती हैं तो हम लोगों से यही कहेंगे कि इसको ग्रेसफुली हैंडल करें। वो लोग जो फंस गए, जो कि जिनको जो कनाडा से पाकिस्तान गए हुए थे, इंडिया गए हुए थे, अब उनको वापस आना है, उनको लामहला एयरपोर्ट, प्लेन, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, वो एक्स्ट्रा केयर करें, मास्क पहने, अपने हाथों को धोएं, इंटरेक्शन से ग्रेस करें, और लेकिन उनको वो सफ़र तो करना है। और एक और इशू भी आ सकता है कि कहीं कल कला को फ़्लाइट्स बंद ना हो जाएं, तो जल्द से जल्द अपनी अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनेशन पे वापस आएं, ताकि वो अपनी यहाँ की ज़िंदगी को शुरू कर सकें, या जहाँ वो जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ एटलीस्ट वो सेटल्ड हो जाए, सेटल हो जाएँ, और फिर उसको अपनी एक, हर शख्स को अपनी एक आइसोलेशन में रहना है। Absolutely. तो मेरे ख्याल में आज तक हम यही गुफ्तगू अपनी करते हैं, आज बिल्कुल बिल्कुल, और तो जब अगले हफ्ते बैठेंगे तो वी होप एंड वी प्रे कुछ ना कुछ इम्प्रूव बेहतरी हो जाए। आज का जो प्रोग्राम था, हम चूँकि बहुत सारी बात पॉलिटिक्स पे करते हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स पे करते हैं, लड़ाई झगड़ा फसाद LOC ये वो, लेकिन ये हमारी सबकी ज़िंदगियों के मामलात हैं, ये आपकी इंसानियत के मसला है, इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई रंग नस्ल मज़हब नहीं होता, दीन धर्म नहीं होता, तो उसमें जो ये कॉमन फैक्टर्स हैं इसको अगर आप समझ जाएंगे तो फिर हम इस पेंडेमिक से फाइट कर सकेंगे। तो इन्हीं बातों को आप भी ध्यान में रखिएगा, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि इससे किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा, हैव अ ग्रेट इवनिंग।